सुनने पसंद है? ठीक है, मैं पवित्र बाइबल में से आपको एक कहानी बोल के दूंगी। कहानी का नाम है योना और मछली। योना नाम का एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने योना से कहा, निनवे नाम के एक बुरे नगर में जाने को कहा। योना वहाँ जाने से बहुत डर रहा था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत दुष्ट लोग थे। इसलिए परमेश्वर की बात ना मानकर योना ने तिर्सिस नाम के एक नगर में जाने के लिए जहाज में चढ़ा। उसी समय परमेश्वर ने एक बड़ा तूफान भेजा और जहाज हिलने शुरू हो गया। जहाज के लोगों ने योना को समुद्र में फेंक दिया। उसी समय एक बड़ी मछली आके योना को निगल दिया। मछली के पेट में योना 3 दिन और 3 रात परमेश्वर से रो रो के माफ़ी मांगकर प्रार्थना किया। 3 दिन के बाद मछली ने योना को किनारे में फेंक उगल दिया और योना ने निनवे गया और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया। दोस्तों, मेरा कहानी क्या आपको पसंद आया? हम लोग को भी परमेश्वर का पवित्र वचन को पालन करना चाहिए। हमारी दुनिया में पाप भरा हुआ है, इसलिए हमारी दुनिया में महामारी, भूकंप, अकाल, युद्ध सब आया है। दोस्तों, हमें पाप छोड़कर परमेश्वर का रास्ते में फिर आना है और परमेश्वर के लिए जीवन बिताना है। थैंक यू।